हेलो यूट्यूब फैमिली, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज़। तो एक ट्रू रेंज टेस्ट वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। 100% से 1% बैटरी नॉर्मल एंड इको मोड ओनली पे, जिसमें मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग निकला था और सिंगल डे में ही उसे डिस्चार्ज किया था 1% पे। ये वीडियो एक्चुअली ऑलरेडी आ चुकी है इन द व्लॉग स्टाइल, मोटर व्लॉग स्टाइल में, लेकिन वो बहुत लॉन्ग थी तो उसे कंप्रेस फॉर्म में लाया हूँ आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड चेक द ट्रू रेंज एंड कमेंट डाउन इफ एनी डाउट्स। थैंक यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात। और ये रेंज टेस्ट के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे तो ये निकल गया हूँ सुबह ही सुबह। 100% बैटरी है और ये बैटरी जो 100% है ये मैं जा रहा हूँ कंप्लीट डिस्चार्ज करने। राइट नाउ आई एम इन आगरा एंड गोइंग टू मथुरा। तो अभी हम आ गए हैं नेशनल हाईवे पे। अब 42-43 मैक्सिमम खींच रहा हूँ। देखो इको पे 42 पे लॉक हो जाता है, 43 अभी टच हुआ था और वो वापस से आ गया अपना 42 पे। इसमें लगा देते हैं अपन, सबसे बढ़िया तो मुझे ये लगा भाई, ग्रीन सिंबल आ गया है। आई थिंक ये कलर स्क्रीन है क्या? देखो यहाँ पे कलर आ रहा है ना, हाथ लगाऊंगा ना तो थोड़ा भी हिल जाता है तो क्रूज हट जाता है। और अभी हो रहे हैं 5:20, यानी हमें करीब 20 मिनट हुए हैं घर से निकले हुए। वैसे मैं उसमें लगा सकता हूँ नॉर्मल में, हाईवे में तो कवर कर सकते हैं नॉर्मल। और अगर लौटते समय बैटरी नहीं बची तो अपना इको में ले लेंगे, लेकिन बैटरी बचेगी भाई। देखो 156 है अभी, तो अगर कैलकुलेट करें हम 100 से चले हैं, 165 अराउंड दिखा रहा था, 10 किलोमीटर। हाँ 10 किलोमीटर हो गए होंगे घर से यहाँ तक। हाँ देखो 10 किलोमीटर, 9.9 किलोमीटर हो गए हैं। और ये रेंज अभी कम हुई है यहाँ पे भी, किलोमीटर में 10 ही हुई है, सही है ना? और यानी 7% 8% पे, क्योंकि इको पे चला रहा हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाती, नहीं तो ये और ज़्यादा हो जाती 2-3 किलोमीटर कम। तो हमें नॉर्मल मोड पे देखो 50 आराम से टच कर रही है, 42 प्लस चलती है अपनी नॉर्मल पे। और अभी देखते हैं टॉप स्पीड कितना ले सकता हूँ मैं। अब देखो एकदम मैंने फुल थ्रेशोल्ड दे दिया, 68-70 पे लॉक हो जाएगा आई थिंक ये 68-70 पे हिल रहा है। और ये स्पीड सही है नेशनल हाईवे के लिए, मतलब इतने पे तो ठीक है, 70 पे अपना सेफ भी रहते हैं और आराम से चलाते रहो। और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं लगा रहा, नहीं तो स्पोर्ट्स भी चेक कर लेते, लेकिन मैं नहीं लगा रहा। मैं 1% का भी वो नहीं चाह रहा कि 1% भी स्पोर्ट्स की वजह से ज़्यादा बैटरी खाए, क्योंकि अपनी टेस्टिंग चल रही है नॉर्मल और इको मोड ओनली, क्योंकि यही लोग यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स। तो बस मेरे ख्याल से नॉर्मल पे भी ना आप थोड़ा सा धीरे चलाओ 40 के आसपास या कम, तो बैकअप देता है, क्योंकि बैटरी का जो मेन फंडा ये है कि भाई आप जितनी स्पीड में चलाओगे इतनी ज़्यादा बैटरी खाएगा। तो ये मोड्स तो आपको ना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उससे ज़्यादा जा नहीं सकते। जैसे अब मैं 70 से ज़्यादा नहीं जा सकता, स्पोर्ट्स लगा दूंगा तो चले जाऊँगा, लेकिन अभी मैं नॉर्मल में रख के ही थोड़ा सा कम में चलाऊँ 40 के आसपास या कम, तो वो भी रेंज दे देगा अच्छा। हाँ लेकिन आपको पिकअप में अंतर मिलेगा, क्योंकि वो पावर थोड़ा सा ज़्यादा लेता है पिकअप टाइम में। लेकिन आप अगर क्रूज़ करो कम पे, मैं नॉर्मल लगा के क्रूज़ कर लूँ अपना 40 पे ही या 42 पे, तो आई थिंक इको जैसा ही इक्विवेलेंट चलेगा। एग्जैक्टली नहीं पर हाँ कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब क्योंकि मुझे 70 भगानी है तो 70, अब मैं 70 पे कर दिया हूँ क्रूज़, 68 पे क्रूज, 70-68। अच्छा क्रूज़ करा है मैंने, यानी लॉक की है स्पीड, लेकिन स्टिल ना फ्लक्चुएट कर रही है 68-70। अब मैं ना रेस नहीं दे रहा हूँ इस समय, क्योंकि ये ग्रीन लाइट जल रही है, यानी कि क्रूजिंग ऑन है। ओके और ये फट फट आवाज़ कहाँ से आ रही है? ओके यहाँ से आ रही है। ये मैंने सोचा तो था ये पन्नी हटा दूंगा, क्योंकि ये गर्मी लगेगी इससे और, यानी कि दिक्कत हो सकती है आते समय। नहीं आते समय मुझे रेंज कम हो सकती है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। वैसे मैंने चार्जर रख लिया है, क्या है अगर बाई चांस कुछ 1% हुआ तो अपने रीज़न में तो आ ही जाएंगे।
तो कॉल वॉल कर लेंगे किसी को। वैसे इस पे RS से भी होता है, आप कॉल करके बुला सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं है। और एक चीज़ मुझे जो मेन चेक करनी थी ना, 30% से नीचे बैटरी पे एकदम से डेड ना हो जाए बैटरी, तो वो चीज़ चेक करनी है। और वो मैं अभी तक नहीं चेक किया क्योंकि पूरी चार्ज करके अभी तक डिस्चार्ज ही नहीं हुई है। 35 पे कुछ मिली थी, फिर मैंने थोड़ा सा चार्ज कर लिया था उसे 100, और कल मैंने जितना 2 दिन में चलाया ना, मिनिमम 60% तक ही खर्च कर पाया। तो ये चीज़ है, अभी मैं इसको करता हूँ। लेकिन बैटरी रेंज तो देखो भाई कम दिखाने लगा है। ये 4 kW है, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, 4 kW बैटरी है। तो आपकी 3 kW पे ये डिफर कर सकता है, 2 kW तो अभी किसी को मिली नहीं है। अब ये ऑन किया, ये ट्रिप हो गया 0। तो ये लगाई थी एसेसरीज, कल ही लगवाई हैं, इसकी वीडियो डाल चुका हूँ। तो यही वाली चाहिए थी जिससे ना ये थोड़ा सा बल्की दिखती है। बहुत हैवी है भाई, ये सबसे ज़्यादा हैवी है। और ये इसमें साइड में भी ये लगवाया मैंने, इस पर चढ़ चढ़ के देखो भाई, चढ़ चढ़ के। से अभी ये 89% से कम है तो रीजनरेशन काम करता है। रिमेंबर, जो नया बंदा लेगा उसको भी मेरे तरह डाउट होगा कि जब वो फुल चार्ज करके निकला है या 90 है वह, ये रीजनरेशन क्यों नहीं काम कर रहा। अब देखो तेज़ चल रही है, मैंने इसे कर दिया, स्लो हो गई, ये भगाई 45। अगर वहाँ देखो, वहाँ पे अगर ब्रेकर है कुछ है, ब्रेक की ज़रूरत नहीं है सडन ब्रेक की, और स्लो ही करना है तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो। तो देखो इसमें होती है बैटरी चार्ज, तो ये अच्छा फंक्शन है रीजनरेशन का, जो यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, ब्रेक दबाओगे तो ब्रेक पैड भी जल्दी घिसेंगे, और इसे यूज़ करोगे तो आपकी बैटरी भी चार्ज होगी और आपको अच्छी रेंज मिलेगी। पर और नज़र डाल लो लास्ट, ये मैंने पार्किंग में लगा दिया है, और ये देख लो पार्क, 56% बैटरी है, गुड। देख लेते हैं बंद करने का कितना रेंज दिखा रहा है, 76। चलो अब निकलते हैं, रेंज दिखा रहा है नॉर्मल पे 76, इको पे 93, स्पोर्ट्स पे 68। वैसे ये गलत दिखा रहा है, इतना इतना कम डिफरेंस कैसे हो सकता है, स्पोर्ट्स पे 68, 76, 93, लेकिन अपन चलाएंगे इको प्लस। आगरा 25 किलोमीटर दिखा रहा है, और ये मेरे में है 45 की रेंज। मेरा घर होगा आई थिंक 30 किलोमीटर यहाँ से, 15 किलोमीटर मान के चल रहा हूँ, तो 15 पे 22 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और नॉर्मल पे भी 22 दिखा रहा है, इको पे भी 22, नॉर्मल पे भी 22। बैटरी लो का सिग्नल आ गया भाई, बैटरी लो का सिग्नल आ गया। तो यानी कि ये इसने ना इको ही कर दिया, नॉर्मल पे भी अब भागेगी नहीं है, भाग रही है, भाग रही है। तो मैं इको पे ही चलाता हूँ, बैटरी लो लिखा आने लगा है, इको इन 08 कर दी बैटरी ख़त्म कर दी भाई, टाइमर चल रहा है, हो गया ख़त्म। अब मैं मोड नहीं चेंज कर सकता, देखो मोड चेंज कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि मोड लॉक्ड, क्योंकि बैटरी 15% पे आ गई, यानी 15% पे इको मोड लग जाता है। तो देखो अब फाइनल रिजल्ट, अब आता है फाइनल क्वेश्चन का आंसर कि बैटरी ने रेंज कितनी दी। एक्चुअली ये सेकंड वीडियो है मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने वीडियो व्लॉग स्टाइल में डाली थी, बहुत लंबी हो गई थी, सबका कंप्लेन था रेंज कहाँ है, रेंज कहाँ है। रेंज को मैंने टेक्स्ट में लिख दिया था लास्ट में, लेकिन कई लोग नहीं पढ़ा या स्किप हो गया, जो भी रीजंस था। तो मैंने इसको एक कंप्रेस फॉर्म में इस वीडियो को बनाया, तो बताइए कैसा वीडियो लगा। तो रेंज को जिस तरीके से थी, मैं बैटरी को डिग्रेड करके 2% से 1% पे लेके आया। स्टार्टिंग में मेरी किलोमीटर थे 96 और मैंने एंड किया 216 किलोमीटर पे, तो माइनस करके 120 किलोमीटर की रेंज आई। और 120 किलोमीटर रेंज कई लोग बोल रहे हैं कि कम है, लेकिन उसका एक रीज़न है, क्योंकि लोगों ने 130-135 तक भी क्लेम किया है कि हमने नॉर्मल इको मोड पे निकाला है। लेकिन इसमें एक रीज़न मुझे जो लगा कि एक तो मैंने कंटिन्यूस चलाया, जब आप बैटरी को कंटिन्यूस एक ही दिन में डिग्रेड करते हो तो थोड़ा सा रेंज में फ़र्क पड़ता है। इसको अगर मैं रुक रुक के या फिर 3-4 दिन में डिग्रेड करता
तो थोड़ी सी रेंज में फर्क पड़ सकता था। तो जो मेरी ट्रू रेंज आई थी वो 120 किलोमीटर रेंज इन अ सिंगल डे, 100% टू 1%, नॉट अ 0% टू द 1%। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और भी रिलेटेड वीडियोज इन द चैनल। बाय बाय।